অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে মাসের শেষে পান মাত্র 1000 টাকা, তার সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে পান বিধবা ভাতা। আর এমনই এক বৃদ্ধার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাকি জমা রয়েছে 1,80,00,000 টাকা। সেই অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হচ্ছে। এমনই তাজ্জব ঘটনা উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, ভাটপাড়া পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তার বাগান এলাকায় একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে বসবাস বৃদ্ধা সুশীলা কাহারে। তার 3 ছেলে এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও শ্রমিকের কাজ করেন। বৃদ্ধা একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে মাসের শেষে পান মাত্র 1000 টাকা, তার সঙ্গে বিধবা ভাতা পান, আর তাই দিয়েই কোনো রকমে দিন যাপন হয় তার। বেশ কয়েক বছর আগে নৈহাটিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন সুশীলা দেবী, কিন্তু লেনদেন না হওয়ায় একসময় তা বন্ধও হয়ে যায়। এখন সেই অ্যাকাউন্টেই নাকি জমা রয়েছে 1,80,00,000 টাকা। শুধু তাই নয়, এই অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হচ্ছে। বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো, নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এবার তোমার শহর বনগাঁ, শিমুলতলার মোড় যশোর রোড, সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এই ঘটনার তদন্ত করতে হঠাৎ করেই বৃদ্ধা সুশীলা দেবীর ভাটপাড়ার ভাড়া বাড়িতে হাজির হয় রাঁচি পুলিশের একটি প্রতিনিধি দল। তাদের মুখ থেকে গোটা ঘটনা শুনে তো অবাক বৃদ্ধা সুশীলা দেবী এবং তার পরিবারের সদস্যরা। সুশীলা দেবী জানান, এত টাকা থাকা তো দূরের কথা, তিনি কখনো চোখেও দেখেননি। वो हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो जी भर काम करते हैं, खाते हैं, भाड़ा घर में है। अच्छा, तो क्या हुआ बैंक में? क्या हुआ बैंक में क्या मालूम, अभी आए थे ऑफिसर, वो बोले कि जे आपका अकाउंट में पैसा कितना रखे। हम बोले हम तो पैसा नहीं रखे हैं बाबू, हम तो खाता कमाता आदमी है, तो हम उतना पैसा लाएंगे कहाँ से। हम तो खाता कमाना जीवाड़ी काम करते हैं, खाते हैं, हाँ भाड़ा घर में रहते हैं। यही तो तीनों लड़का मेरा भाड़ा घर में रहता है, तीनों बहू है, पोती है, सब भाड़े घर में रहता है। अच्छा, कितना रुपया है अकाउंट में बोल रहा है? अकाउंट में कितना बोला है? 1,80,00,000। 1,80,00,000, तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से बाबू? देखी जाती इतना पैसा? हम तो आँख से देखबे नहीं किया आज तक। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? कैसे मालूम पड़ा? अभी आए हैं ऑफिसर बोलने के लिए, तो इतना इतना पैसा आप रखे थे, आपका अकाउंट से पैसा मैं कोई दूसरा कोई उठा रहा है। अच्छा, अब काम कर रहा है, फिर रख रहा है, फिर ले निकाल रहा है। ए ব্যাপারে তার এক আত্মীয়ার ধারণা, সুশীলা দেবীর অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি করে কোন দুষ্ট চক্র এই কাজ করছে। हम तो थे नहीं, मुझे फोन आया, मेरा चाची ने मुझे फोन किया कि मतलब पुलिस आया था लाइन में खोजने के लिए सुशीला कहार के नाम से। ये शायद रांची का पुलिस था, हम लोग को तो उतना जानकारी है नहीं। तो चाची मेरा फोन करके बोला का कि मतलब कि पुलिस आया है खोजने के लिए सुशीला कहार को, जे क्या क्या बात है। तो हम तो ऑफिस में थे, मुझे तो पता नहीं था। तो हम ऑफिस से अभी आए हैं, तभी मेरे को पता चला है कि दादी का खाता में मतलब इतना पैसा है। कितना पैसा? 1,80,00,000 रुपया सुनने में आया है। पर लेकिन मेरा दादी तो खुद जी बाड़ी का काम करती है, तो इतना पैसा कहाँ से लाएगी? हमारे घर में सब नौकरी करता है, मतलब मिल में मेरे पापा काम करते हैं, मेरा भाई कंट्रैक्ट में काम करता है, मेरा एक छोटा भाई पढ़ता है, और दादी का जो 2 लड़के हैं वो भी एक ऑकलैंड मिल में काम करते हैं और एक मेघना मिल में काम करते हैं। और इसका कोई मतलब ये नहीं है, ये अपना कमाती अपना खाती, इसका तो कुछ पैसा ही नहीं है ये कहीं रख पाए, इसके पास इतना है ही नहीं। वो तो 1,000 का एक घर का काम करती है, तो क्या अभी लगता है कोई दूसरा कोई ऐसा कर रहा है? हाँ, दूसरा कोई पूरा कर रहा है, दूसरा उसका सुनने में आया है कि इसके आधार कार्ड से कोई लिंक किया हुआ है, जो पैसा उठा रहे हैं रख रहे हैं, और अब इसके बाद में क्या, ये मेरे को भी नहीं पता है। এমন কাণ্ডে হতবাক প্রতিবেশীরাও। এ ব্যাপারে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সুশীলা দেবী এবং তার পরিবারের সদস্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ই সমকালীন। এ টাইটান কা সানগ্লাস হ্যায় এন্ড ইসমে পাওয়ার লেন্স ভি লাগা সকতে হ্যায়। আর কলকাতায় নয়, টাইটান আই প্লাস এখন বনগাঁ শহরে, এখানে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়, কন্টাক্ট লেন্স, ফ্রেম, সানগ্লাস পাওয়া যায়। আজই আসুন বনগাঁর যশোর রোডের ধারে নিজস্ব শোরুমে। যোগাযোগ 8167734766।